उनसे कैसे मुलाकात होती, कैसे आप दोनों साथ में जुड़े? विक्की एक बहुत सुलझा हुआ लड़का है, आज उसके पीछे 50 लड़के काम करते हैं और मेरा छोटा भाई है। और विक्की जो अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छे लोग मिल ही जाते हैं, उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनसे मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छे लोग आपके पास आएंगे। ये विक्की है और ये मेरा ही चैनल नहीं, करीब मुझे लगता है कि 800-900 चैनल आज ये हैंडल कर रहा है और सारे स्टारों के चैनल ये हैंडल करते हैं और इनके पीछे बहुत सारी ग्रुप है, ये अकेला हैंडल नहीं करते, इनके पीछे बहुत सारे बच्चे हैं जो इनको अपने बड़े भाई की तरह और यहाँ वर्कर की तरह काम नहीं करते हैं, वो अपना काम समझ के काम करते हैं, इसलिए आज इनका भी सहयोग मिलता है और ये सबको प्यार करते हैं और ये जितना प्यार देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इनके जो नीचे काम करते हैं बच्चे वो इनको देते हैं। और सबसे आज विक्की से किसी का झगड़ा आज तक नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आज तक ये लड़ाई तक नहीं किया है किसी से। तो मेरा हमेशा शुभकामना है विक्की के लिए कि आज ये 50 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर चलवा रहा है, ईश्वर करे कि ये 50,000 कंप्यूटर का मालिक बन जाए और इसके साथ 50,000 लोग काम करें, आज 50 लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा यही प्रार्थना है ईश्वर से कि ऐसे ही बढ़ते रहे, हमें खुशी होती है कि जब हमारे बिहार यूपी का कोई भी आदमी अगर इस लेवल पर पहुँचता है तो आज इस लेवल पर आ जाए, हर स्टार आज इनके पास हैं तो ये इनके लिए खुशी की बात है कि जिस स्टार के लिए ये लाइन लगाकर किसी सिनेमा देखते थे आज इस स्टार इनसे हर बातें पूछते हैं कि भैया हम ये करना है कैसे, इसको क्या करना है। तो ये खुश नसीबी है इनकी भी और हमारी भी कि हमें एक अच्छा भाई मिला है जो हमारी चीज़ों को अच्छी तरह से प्रमोट करता है। ये नील कमल हैं, ये मेरा सीनियर है कुछ भी पहले इसका गाना गाया था कि मौसी के चुमा ले लह पापा आवेदक कहब माई से, बचपन में 2003 में, तो मेरे से पहले से ये गायक है और मेरे से पहले से स्टार है ये और ये बहुत अच्छा इंसान है। मैं समझिए कि मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ, इसकी गायकी को मैं बहुत दिल से मानता हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत गाता है। आने इधर जितने भी लोग गाने वाले हैं, हम तो गायक है ही नहीं, बस लोगों ने प्यार दे दिया तो थोड़ा बहुत गा लेते हैं, लेकिन ये लोग सीखे हुए लोग हैं, इन लोगों ने मेहनत किया है अपने गायकी पे। हम लोग को वक्त नहीं मिला, हम भैंस पे बैठे बैठे गाते चले गए और भैंस पर से डायरेक्ट स्टूडियो पहुंच गए, तो यही चीज़ें हैं। तो मेरा भी नील कमल के साथ भी और मैं पब्लिक जनता से भी जो मुझे प्यार करते हैं नील कमल को बहुत सारा प्यार करिए। गाना हम लोग का कबाड़ी वाला, अभी एक कबाड़ी वाला गाना इसका कंपोजिशन भी है वो और उसमें एक इसका नाम भी है और नील कमल एक के, नील कमल एक के मोहब्बत के रूल हो, मोहब्बत के रूल हो क्या गाते हो तुम और एक कौवा उड़ गधा उड़ मर्दा रहत हमसे दूर, उसका भी कंपोजिशन ये किया, बहुत अच्छा एक कंपोजर भी है ये। और कंपोजिंग की बात आ गई तो हमारे बीच में एक बहुत बड़े कंपोजर इस इंडस्ट्री के समझिए कि भीष्म पितामह है ये कंपोजिशन के मामले में और इन्होंने 1, 2, 5 और 10, 20 गाने हिट नहीं दिया है, इन्होंने हजारों गाने ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया है जो कि 200 मिलियन 300 मिलियन के पार हैं और बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता है मधुकर आनंद जी को। ये मेरे बड़े भाई की तरह हैं और एक गुरु भी हैं क्योंकि अच्छे सिंगर भी हैं, अच्छे कंपोजर भी हैं और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और करीब मुझे लगता है जो दर्जनों सिनेमा इन्होंने मेरा किया है। आगे आने वाले भविष्य में जब तक मैं हीरो रहूँगा कोशिश रहेगी कि हर बार ये हमसे मिलते रहें, हम लोग एक साथ मिलकर काम भी करें।